रीमान इंटीग्रल का टॉपिक चल रहा है हमारा, मुझसे रिलेटेड थ्योरम्स कर रहे हैं। टुडे अवर थ्योरम इज डायरेक्स थ्योरम। स्टेटमेंट इज इफ एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी देन फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन टू जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा इज ग्रेटर देन टू जीरो सच दैट यू पी एफ इज लेस देन ए यानी अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन यानी यू पी एफ हमारे पास क्या होगा, लेस हो जाएगा अगर हम अपर रीमान इंटीग्रल में किसी एक एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे। और अगर अपने लोअर रीमान अगर लोअर सम में हमारा लोअर सम क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा लोअर रीमान इंटीग्रल से अगर उसमें हम किसी एप्सिलॉन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। स्टेटमेंट इज दैट कि हमें ये दो जो है ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। और हमारे पास क्या है कि एफ इज एक बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ऑफ ए बी पर और किसी एक एप्सिलॉन के लिए जो कि ग्रेटर देन टू जीरो है और वहां पर एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन टू जीरो सच दैट मौजूद हो कि ये दो चीजें सेटिस्फाई करती हों। फोर, अब जरा नीचे देखें लाइन क्या लिखी है। फॉर एवरी पार्टीशन ऑफ ए बी विथ अ नॉर्म पी इज लेस देन डेल्टा, इट मीन्स कि जो मैश हमारे पास यहाँ पर, इस चीज का मतलब यह है कि हम जितने भी पार्टीशंस लेते हैं उनमें बनने वाले जो हमारे पास सब इंटरवल्स होंगे उसमें जो लार्जेस्ट लेंथ होगी, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉर्म इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आई। ठीक है, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट लेंथ होगी सब इंटरवल की उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्म कहते हैं। यानी वो हमारे पास किसी एक डेल्टा से क्या होगा, लेस होगा। ये टोटल चीज हमारे पास क्या होगी, गिवन है इस पूरी स्टेटमेंट में और हमें ये वाली दो चीजें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, हम अपने थ्योरम को लेकर चलते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज आपको मेरी मिलती रहे। ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर प्रूफ बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर आर इंटीग्रल्स। ठीक है, हम लोअर अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन को सबसे पहले लेके चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। ठीक है, P of यानी ओवर ऑल दी पार्टीशन, जितनी पार्टीशन हम इसमें ले रहे हैं इस इंटरवल की रिस्पेक्ट से ए बी में, ये मैंने क्या लिखा, इट्स अ लोअर आर इंटीग्रल यानी लोअर रीमान इंटीग्रल। और अपर रीमान इंटीग्रल हमारे पास क्या बताता है, इट्स इन्फिमम ऑफ यानी ये क्या होगा, इन्फिमम होगा यू पी एफ का फॉर ऑल दी पार्टीशन ए बी। नाउ अब इन्फिमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। वेयर इन्फिमम एंड सुप्रीमम आर टेकन ओवर ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी। अच्छा, हमने ये करना है कि अब डेफिनेशन देखनी है इन्फिमम और सुप्रीमम की। बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम एंड सुप्रीमम फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन टू जीरो there exist a partition P1 and P2 such that। अब जरा हम इन्फिमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन को जरा नोट करें। अगर हम मैं ये बात करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ का मतलब ये होगा कि अगर मैंने जितने भी, जाहिर सी बात है ये एक सेट एक रियल नंबर का ही बनेगा,
जब आप एक एलपीएफ किसी फंक्शन पे ओवर ए भी जब आप रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं, जैसा कि आपको इसकी डेफिनेशन पता है, तो जब हम जरा सुप्रीमम किसी सेट के अगर हम लेते हैं, तो सुप्रीमम क्या होता है कि जितने भी हम इसके अपर, ये जो हमारे पास लोअर सम सॉरी जो अपर हमारे पास उसका होता है, उसमें जो हमारे पास यहाँ पर जो आने वाला ये जो नंबर होता है, ये असल में मेरे पास क्या होता है, सुप्रीमम होता है। अब ये इसमें इंक्लूड हो भी सकता है एक सेट में और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब ये वाला नंबर अगर हमारा इसका क्या है, सुप्रीमम है। सुप्रीमम मीन्स कि इस सेट में, या अगर मैं ये जो भी सेट ले रही हूँ या इस इंटरवल में, मेरे पास इससे बड़ा वाला नंबर सुप्रीमम नहीं होगा, यही होगा, चाहे वो इसमें इंक्लूड हो या ना हो, ठीक है, वो इसका सुप्रीमम है। अब अगर मैं इन्फिमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन को देखूं, तो मेरे पास ये बात श्योरिटी है कि सुप्रीमम वो नंबर है कि जो इस इंटरवल में सबसे बड़ा है, ठीक है, या इसमें इंक्लूड है या नहीं सेट की, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नंबर इसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा। अब अगर डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से ये मेरे पास वो क्या बात है, हमारे पास इट्स अ लोअर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान इंटीग्रल असल में मेरे पास सुप्रीमम है एलपीएफ का। तो इस चीज का मतलब ये होगा कि अगर मैं इस एलपीएफ में से, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, अगर मैं किसी भी पार्टीशन P1 यानी LP1F के लिए कोई एक मेरे पास ऐसी पार्टीशन मुझे मिल जाएगी, अगर मैं ये जो मेरा लोअर रीमान इंटीग्रल है, अगर इस लोअर रीमान इंटीग्रल में से मैं किसी एक एप्सिलॉन को लेस कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, LP1F। माइनस एप्सिलॉन का मतलब ये होगा कि अगर मैं इस अपर बाउंड के किसी भी एक सुप्रीमम में से, सुप्रीमम का मतलब ये है कि अपर बाउंड का जो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर है, अब अगर इसमें से मैं किसी एक एप्सिलॉन को कम कर दूं, यानी किसी एक नंबर को इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा LP1F यानी किसी एक सब इंटरवल के लिए, यानी किसी एक पार्टीशन P1 के लिए ऐसा P1F मिल जाएगा जो कि इस सुप्रीमम में से किसी एक नंबर को माइनस करने से, जो माइनस करने से जो चीज़ बन रही होगी उससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मजीद समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने गॉसियस थ्योरम को बताया, उसमें मैंने इसको पूरे तफसील से बताया कि ये चीज़ कैसे किसी एक सुप्रीमम इन्फिमम ऑफ द सेट ऑफ द डेफिनेशन को देखा जाता है, ठीक है, मैंने आपको ये बात बता दी। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि मेरे पास जो मैं नेक्स्ट रिलेशन लिखने लगी हूँ, ज़रा इस चीज़ को भी आप देख लें, एंड UP2F इज लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल f(x) dx प्लस एप्सिलॉन, ठीक। अब आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जरा डेफिनेशन को देखें कि हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल इन्फिमम ऑफ UPF है। अब जाहिर सी बात है ये जो UPF मैंने बनाए हैं असल में ये मेरे पास एक रियल नंबर्स का सेट ही है ना, जाहिर सी बात है UPF की कोई वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे मैं जो सेट बना रही हूँ ये रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो लोअर बाउंड होगा, ठीक है, अब इन्फिमम की बात हो रही है तो आप यहाँ किस किस की बात करोगे, लोअर बाउंड की। तो लोअर बाउंड का मतलब कि यहाँ पर इस सेट में सबसे छोटा नंबर, वो चाहे इसमें इंक्लूड है सेट में या नहीं, लेकिन इसमें सबसे छोटा नंबर जो होगा वो क्या होगा, इसका इन्फिमम होगा, ठीक है। बाकी के जितने नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर बाउंड बन रहे होते हैं उस इंटरवल के, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है, इन्फिमम की बात हो रही है, तो इन्फिमम में सबसे छोटा नंबर जिस इंटरवल का होगा। अब अच्छा, इसके अलावा अब इन्फिमम की तो ये खासियत है कि भाई इससे छोटा नंबर तो कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिमम सबसे छोटा है उस इंटरवल का। अब अगर मैं इसी ये अब ये चीज़ तो इस इन्फिमम के इक्वल आ रही है ना, अगर मैं इस इन्फिमम में से ये चीज़ क्या है, ये इन्फिमम ऑफ UPF है ना, तो अगर मैं इस इन्फिमम जो भी मेरे पास वैल्यू है इन्फिमम की, अगर इसमें कोई एक छोटा सा एप्सिलॉन मैं ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा कि जो मेरे पास ऐसी मेरे पास UP2F ऐसी पार्टीशन की ऐसा मेरे पास अपर रिमान सम मुझे मिल जाएगा जो कि इससे क्या हो जाएगा, लेस होगा। क्योंकि इन्फिमम की डेफिनेशन ये बोलती है, अगर मैं इसको देखूं तो ये सबसे छोटा नंबर है, लेकिन अगर मैं इसी में ही कोई ऐसा छोटा सा एप्सिलॉन ऐड कर दूं, तो मेरे पास इसके यहाँ पर एक ऐसी पार्टीशन UP2F मिल जाएगी जो कि इससे क्या हो जाएगी, इस इन्फिमम की डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। और इन्फिमम क्या होगा, इन्फिमम में अपर रीमान इंटीग्रल में किसी एक नंबर को ऐड करने पर वो क्या चीज़ आ जाएगी, UP2F उससे छोटा आ जाएगा।
अब हम इसको इक्वेशन वन का और इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें। अब लेट लेट पी इज इक्वल टू पी वन यूनियन पी टू बी आर रिफाइनमेंट ऑफ पी वन एंड पी टू। आप जानते हैं कि रिफाइनमेंट क्या होता है। रिफाइनमेंट ऐसी पार्टीशन होती है जो जिसमें एक नंबर ज़्यादा होता है पार्टीशन के रिस्पेक्ट से। रिफाइनमेंट की डेफिनेशन मजीद इसको समझने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में रिफाइनमेंट की डेफिनेशन को देखिएगा। लेट मैंने ऐसा बी वन यूनियन पी टू लिया पी जो कि क्या होगी इसकी रिफाइनमेंट होगी। तो देन वी नो अब एक रिलेशन है जो कि मैंने आपको ये कॉशियस थ्योरम में भी बताया कि क्या होता है कि अगर मेरे पास पी इक्वल टू पी वन यूनियन पी टू होगी और अगर उसकी मैं रिफाइनमेंट लूंगी तो बाय दिस थ्योरम हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं कोई भी एल पी एफ लेती हूँ तो वो क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी एल पी वन एफ के। सही, यानी जो पी किससे इससे इन दोनों के यूनियन से बनने वाली जो पार्टीशन होगी उस पार्टीशन पर जो मैं एल पी एफ लूंगी वो हमेशा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी उसके किसी एक पार्टीशन पे बनने वाले लोअर सम से। क्या हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक ये रिलेशन हमें इससे पता है बाय थ्योरम और एक ये रिलेशन पता है दैट इज यू पी एफ इज द लेस देन इक्वल टू यू पी टू एफ। ठीक, हमारे पास ये बाय रिफाइनमेंट ऑफ डेफिनेशन के जो हमारे पास स्टेट थ्योरम है उसके रिस्पेक्ट से मैंने ये दोनों चीज़ें यूँ लिख दी। ठीक है, आप रिफाइनमेंट के उसमें से देख भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम आपने क्या करना है इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन फोर का नाम दे देना है। बाय इक्वेशन बाय वन एंड थर्ड इक्वेशन We have. अब इक्वेशन वन हमारे पास क्या थी दैट इज एल पी वन एफ इट्स ग्रेट लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन इट्स इक्वेशन वन। और हमारे पास इक्वेशन थ्री क्या थी एल पी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी वन एफ। अब इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एल पी वन एफ है चूंकि वो ग्रेटर है इससे और एल पी एफ इससे ग्रेटर है, इसका मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, देखें एल पी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी वन एफ। ठीक है, और एल पी वन एफ किससे ग्रेटर है इससे अपर रीमान सॉरी लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। तो अगर एक चीज़ इससे ग्रेटर है और ये वाली चीज़ इससे है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी क्या होगी इससे ग्रेटर होगी। सो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं एल पी एफ इज ग्रेटर देन लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। हमारे पास अपनी एक इक्वालिटी तो हमारे पास क्या हो गई इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। अब हमने नेक्स्ट इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए अब जो हमने बाकी जो नाम दिए थे इक्वेशंस को उनको लेंगे बाय सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन वी हैव। हमारे पास इक्वेशन टू कौन सी है इट्स यू पी टू एफ इज लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन इट्स इक्वेशन टू। और इसके अलावा हमारे पास कौन सी थी इट्स यू पी एफ इज लेस देन इक्वल टू U P 2F। ठीक, अब ये जो कि हमारे पास इक्वेशन टू मैंने पीछे नाम दिया इसको और ये मेरे पास इक्वेशन फोर है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो हम रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास U P F किससे लेस है लेस देन इक्वल टू है U P 2F से। ठीक है, और U P 2F किससे लेस है इस वाली टर्म से लेस है प्लस एप्सिलॉन। ठीक, तो हमारे पास इससे क्या हो जाएगा कि ये वाली चीज़ इससे भी क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। तो यू पी एफ इज लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन।
सो हेंस हमारे पास ये दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी थी वो प्रूव हो गई। ये मेरे थ्योरम में इट्स अ सेकेंड इनइक्वालिटी, ठीक है, ये वाली थी, और ये वाली फर्स्ट इनइक्वालिटी थी। इट्स अ यूपीएफ, इट्स अ यूपीएफ इज लेस अपर रिमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, हेंस हमारे पास ये दोनों इनइक्वालिटी प्रूव हो गई जो कि हमने थ्योरम में डायरेक्ट थ्योरम में प्रूव करना था। For every partition of AB with the norm of delta, its P is less than delta. यानी हमारे सबके लिए इस चीज़ को सेटिस्फाई करता होगा। आई होप कि आपको आज ये डायरेक्ट थ्योरम समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।